हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक के बाद एक हर कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग का शेड्यूल निकाले जा रहा है और इसी बीच चौधरी रणबीर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झज्जर यानी कि CRSSIET ने भी अपना इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एक कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है, एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है जैसे कि CSE या फिर ECE में एडमिशन लेना चाहता है लेकिन उसकी परसेंटाइल कम है, तो भाई उनके लिए यह एक बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इस कॉलेज की जो कट ऑफ है भाई वो बहुत ही कम जाती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। हेलो माई डियर फ्रेंड्स, इट्स मी अरुण शोलेत। इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई लेटेस्ट वीडियोस। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको CRSSIET झज्जर की इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है भाई, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन JEE मेंस 2021 आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने JEE मेंस नहीं दिया है वह भी इस कॉलेज के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है भाई, प्रोवाइड वर्किंग मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल एड्रेस इन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी डन थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल। ये पॉइंट भाई मैंने MDU रोहतक की ओपन काउंसलिंग की वीडियो में भी डिस्कस किया है और DCREST की भी ओपन काउंसलिंग की जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसके अंदर भी डिस्कस किया है कि आपका खुद का ही पर्सनल मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल एड्रेस दें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। जो भाई आप MDU का RR पोर्टल फिल करोगे उसके अंदर भी भाई आपका सेम यही मोबाइल नंबर और मेल ID यूज होंगी। आप जो भी अपने कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम दोगे भाई उसका रिजल्ट चेक करने के लिए भी भाई आपका यही मोबाइल नंबर और मेल ID यूज होगी। और भाई जैसा कि लास्ट 2 ईयर से होता आ रहा है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग रही, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, सेम भाई उसी तरह अगर अब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही स्टार्ट हुई तो भाई जो आपके ऑनलाइन क्लासेस का लिंक होता है वो भी भाई आपका उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो यार इस बात का खास ध्यान रखें, जो भी आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाएं वो कोशिश करें कि आपका खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर हो। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे सेमेस्टर फी ऑफ ₹25,000 ऑनलाइन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू पे द सेमेस्टर फी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हिज और हर सीट स्टैंड्स कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई, तो भाई जैसे ही आप फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो भाई ऑन द स्पॉट भाई आपको ₹25,000 जो कि आपके सेमेस्टर फी है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भाई आपकी जो सीट है वो भाई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट भाई, अगर यार हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो भाई आपको रिक्वायर्ड होगा रैंक कार्ड ऑफ JEE मेंस, 12th मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, फैमिली ID यानी कि परिवार पहचान पत्र, फॉर SC कैटेगरी भाई आपको इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, फॉर BC एंड TFW कैंडिडेट भाई आपको प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज भी रिक्वायर्ड होगा, फॉर SG/ST कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ हरियाणा ऑफ विच द कैंडिडेट इज टॉपर आपको रिक्वायर्ड होगा, फॉर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स ड्यूली साइंड बाय रिलीफ कमीशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो भाई देख लेना यार, आप जिस भी कैटेगरी में लाए करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना और उसके बाद भाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने चले जाना। तो भाई यार अब हम जान लेते हैं शेड्यूल फॉर बीटेक की, आपका शेड्यूल क्या रहने वाला बीटेक कोर्स के लिए। तो भाई जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यार वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर फिल कर सकते हो। जो एप्लीकेशन फी है यार वो है ₹500 पर कैंडिडेट। एप्लीकेशन फॉर्म भाई आपके 16th ऑफ अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट भाई इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द जाके अपना फॉर्म फिल कर दे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट भाई आपकी 20 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, जो काउंसलिंग होगी भाई आपकी वो भाई 22nd अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगी। कौन कौन सी ब्रांचेस है भाई जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी ब्रांचेस के अंदर भाई सीट्स वैकेंट है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब भाई काफी स्टूडेंट का डाउट आ सकता है यार कि आपको फॉर्म फिल कहां से करना है, ठीक है, और एप्लीकेशन फी कहां पे करनी है और कैसे पे करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भाई आपको कॉलेज के अंदर जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके अंदर तो आपको ऐसे कोई परेशानी वाली बात होने ही नहीं वाली, वहां पे आपको स्टाफ मिल जाता है। एप्लीकेशन फी भी भाई आपके कॉलेज के रिसेप्शन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर ही कट जाएगी। ठीक है, वहां से भाई आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो भाई ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए भाई जो आपको फॉर्म है यार वो आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी पे करने के लिए भाई आपको कॉलेज के अकाउंट में ₹500 ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जो भाई कॉलेज का बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो भाई बेसिकली यार आपको एक NEFT ट्रांजैक्शन करनी होगी, इस बैंक अकाउंट के अंदर भाई आपको ₹500 ट्रांसफर करने होंगे। ठीक है भाई,
जो स्टूडेंट भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स को भाई कॉलेज के अंदर जाकर ही अपनी रिसिप्ट कटवानी पड़ेगी। एक बात का खास ध्यान रखें भाई, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें भाई आपको 20 अक्टूबर से पहले पहले करनी होंगी। 20 अक्टूबर के बाद भाई आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अब भाई मैं आपको बता देता हूं प्रॉपर शेड्यूल कि कौन सी डेट को कौन से टाइम इंटरवल में आपकी कौन सी कैटेगरी की काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो भाई जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो भाई आपकी कैटेगरी वाइज काउंसलिंग होगी। ठीक है, सभी कैटेगरीज की जो काउंसलिंग होगी वो भाई आपकी 21 अक्टूबर को चालू हो जाएगी 9:30 AM। जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो भाई सभी कैटेगरीज के लिए रहेगी, कैटेगरी वाइज ही रहेगी, लेकिन सेकंड काउंसलिंग के अंदर भाई आपके SC और SCD की कैटेगरी मर्ज कर दी जाएंगी। ये जो काउंसलिंग होगी भाई आपकी ये भाई 21 अक्टूबर को ही होगी, लेकिन 1 PM पे स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो थर्ड काउंसलिंग होगी भाई, जिसे आप ओपन काउंसलिंग बोलते हो, उसके अंदर भाई किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आपकी जितनी भी कैटेगरी है भाई, चाहे आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हो, चाहे आप EWS कैटेगरी से हो, आप सभी को भाई एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो आपकी थर्ड यानी कि ओपन काउंसलिंग होगी भाई, ये आपकी 21 अक्टूबर को होगी और आपकी 2 PM पे स्टार्ट होगी। तो यार बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई जिन स्टूडेंट को यार 21 अक्टूबर को ओपन काउंसलिंग तक कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं होती, वो भाई स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पोर्ट काउंसलिंग होगी भाई, उसके लिए आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा भाई वो 22nd से स्टार्ट होगा और आपका 25 तक आप स्टार्ट कर सकते हो। 25 यानी कि भाई 25 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। ठीक है, जो एप्लीकेशन फी होगी भाई वो आपको अगेन कॉलेज के बैंक के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो कि कॉलेज का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम भाई आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। जो फर्स्ट स्पोर्ट काउंसलिंग होगी भाई वो आपकी 22nd अक्टूबर को होगी, 1 PM से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस काउंसलिंग के अंदर वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म 22 अक्टूबर को 12 PM से पहले पहले फिल कर देंगे। जो सेकंड स्पोर्ट काउंसलिंग होगी भाई वो आपकी 23rd अक्टूबर को होगी, अगेन भाई 1 PM से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर भी भाई जो स्टूडेंट 23rd अक्टूबर को 12 PM से पहले पहले फॉर्म फिल कर देंगे वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थर्ड जो स्पोर्ट काउंसलिंग होगी भाई वो आपकी 24th ऑफ अक्टूबर को होगी, अगेन भाई सेम टाइम 1 PM पे स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग, और जो स्टूडेंट 12 PM से पहले अप्लाई कर देंगे वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फोर्थ स्पोर्ट काउंसलिंग जो भाई आपकी होगी वो भाई 25th अक्टूबर को होगी, 1 PM से स्टार्ट होगी, अगेन जो स्टूडेंट भाई आपका 12 PM से पहले अप्लाई कर देगा वो स्टूडेंट भाई उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। लास्ट जो काउंसलिंग होगी भाई आपकी यानी कि फिफ्थ राउंड की जो स्पोर्ट काउंसलिंग होगी वो भाई आपको 25 अक्टूबर को ही होगी, 4:50 PM से भाई आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट भाई आपके 4:45 PM से पहले अप्लाई कर देंगे वो स्टूडेंट भाई इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बेसिकली यार ज्यादातर स्टूडेंट भाई फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग के अंदर ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फिफ्थ स्पोर्ट काउंसलिंग तो भाई बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि भाई कोई स्टूडेंट अप्लाई करे। और भाई फिफ्थ राउंड स्पोर्ट काउंसलिंग तक ECE या CSE जैसी ब्रांच के अंदर सीट वेकेंट रहे, इसके भी भाई बहुत ही कम चांसेस हैं। तो दोस्तों ये था आपका CRSHIET झज्जर का इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग का फुल शेड्यूल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी या।